तेरी साले चलो बे अबे तू हटो है पुफी हटो हटो पाजी पाजी रुको पाजी कुसी पाजी अर्जुन पाजी ढाबे पे इतने कस्टमर है और तुसी बच्चों की तरह लड़ रहे हो की सोचेंगे साडे बारे में तू जा किचन में जा अपना काम कर आ जा ना देख लांगा मैं तेनों की क्या देखेगा मैनू एक अरसे से देख रहा हूं तेनू हूं गले छत पाया ना तेरे हथ बढ़ देंगा बेईमान तू रहो दोनों भाइयों के बीच फिर से झगड़ा हो गया जी सुनीता परजाई जी आप और इंद्र परजाई मिलके दोनों को समझा दो जी अगर ऐसे चलते रहा तो ढाबा बंद करना पड़ेगा ऐसी बात ना कर भूपी मैं गल करती हूँ इंद्र से देखते हैं इन दोनों के बीच का मसला कैसे सुलझा सकते हैं सुनीता भाभी जी मैं भी ना थक गई हूँ इनको बोल बोल के बहुत हो गई लड़ाई कुलजीत प्राजी से मेरा भी वही हाल है इंदर मुझे समझ में नहीं आती कि कुलजीत जी इस बात को क्यों नहीं समझ रहे अर्जुन भाई साहब उनके छोटे भाई कोई दुश्मन थोड़ी ना है भाई साहब ये लड़ाइयाँ कब तक चलेंगी कौन की लगता है मैं ही लड़ता रहता हूँ की फर्क पैदा है कौन लड़ता है आप या वो बस ये मुझे बताइए कि हाथापाई कब बंद होगी जब कुलजीत इंसान की तरह पेश आएगा वो ठीक है जब ढाबा शुरू किया था तो उसने ज्यादा पैसे लगाए थे हमने कम लगाए थे लेकिन भाभी जी 6 साल हो गए दोनों की लागत भी वापस आ गई लेकिन आज भी मुनाफा उसी हिसाब से देता है ऐसे देता है जैसे भीख दे रहा हो भाभी जी आप कुलजीत को समझाओ मेरे नाल ना इंसाफी ना करे वो मेरी भी एक बेटी है उसको भी सेटल करना है मैनू भाई साहब मेरे बच्चे आरती और मोहित ही सो मैं रोज समझाती आज भी समझाऊंगी वो तू बिचना पे रिश्ते खराब होते जा रहे हैं जी तो खराब धंधा अपनी जगह है रिश्तेदारी अपनी जगह और घर अपनी जगह बच्चे कितने हैं 9 बज गए आरती अपने दोस्तों के साथ जॉइंट स्टडी करने गई है और मोहित वो अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने गया है वाह जी वाह उन्होंने कहा और तूने मान लिया तेनू कि मैं पता कि आरती अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है और मोहित चरस गांजे के अड्डे पे नहीं पड़ा मुझे भरोसा है अपने बच्चों पर अपने पति ते भरोसा नहीं अपना काम ते सामया नहीं जानता बच्चा दी देखभाल नहीं कर सकती तो मैं लेक्चर पे लेक्चर सुना जानती मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी कि आपके और भाई साहब के बीच के रिश्ते ठीक हो सकते मुझे इस बारे में ना कुछ सुनना है और ना कुछ कहना है बाय हाय फिर घर पहुंची थी तू आराम से हाँ टेक्स्ट नहीं किया हमेशा करती है वो एक्चुअली भूल गई प्रीति तेरी की ना फ्रिज में रख दी है तेने ठंडी खानी है ना हाँ मम्मी बचपन में इस खीर को लेके मेरी और कुलजीत की बड़ी लड़ाइयाँ होती थी बिजी मैनू और दे दो बिजी उसनू ज्यादा दिए बिजी हमेशा कुलजीत नू ज्यादा देती थी कम दो तो हाथ नहीं लगाता था वो आज ना मैंने बहुत सारी खीर बनाई है थोड़ी सी खीर जाकर आप कुलजीत प्राजी को दे आओ सारी दुनिया ने उसी को खुश करने का ठेका ले रखा है क्या सारा लालची इंसान मैनू मेरे मुनाफे के पैसे नहीं देना और मैं अपने घर की बनी खीर खवावा एक ही कोक के जन्मे दोनों भाई हो जैसे कि अपना हिंदुस्तान और पाकिस्तान अब एक ना एक दिन तो सुलह होनी है तो फिर आज क्यों नहीं तुसी जाओ और जाकर खीर दे आओ फदिया बनी है जिनी मर्जी खीर खिला लेते इस हिंदुस्तान और उस पाकिस्तान के बीच कभी जहर खत्म नहीं होगा इंदर ने खीर भेजी कुलजीत के लिए आप खुद ही अंदर आके दे दीजिए ना उन्हें नहीं नहीं भाभी जी खीर के चक्कर में चीर फाड़ना शुरू हो जाए फिर क्यों लड़ते हो आप दोनों खत्म कर दो अब ये बैर
किसका फायदा है इसमें? खुदा आया था देने। हाँ जी। पता है अर्जुन बचपन में भी मुझसे लड़ता था खीर के वास्ते, जबकि बीजी उसकी कटोरी में दो चम्मच ज्यादा खीर देती थी, पर उसका हमेशा ये रोना होता था, बीजी कुलजीत को ज्यादा खीर क्यों देती है? ढाबे के मुनाफे का भी यही मसला है। आप दोनों क्यों अपने जिद पे अड़े हुए हैं? एक बार आमने सामने बैठ के साफ साफ बात क्यों नहीं कर लेते? क्यों नहीं खत्म करते इस मामले को? सर, पंजाब, दिन था 3 अगस्त 2015। आज के बाद बड़ा भाई कुलजीत बस्सी और छोटा भाई अर्जुन बस्सी आपस में कभी नहीं लड़ेंगे। हेलो। हेलो, सत श्री अकाल अर्जुन भाई साहब। सत श्री अकाल भाभी जी। कुलजीत को खीर पसंद आई? खीर तो बहुत पसंद आई भाई साहब, लेकिन आपके पाजी हैं कहाँ? रात भर घर नहीं लौटे, आपके यहाँ ठहरे हैं क्या? सालों हो गए उसको मेरे यहाँ कदम रखे। अजीब बात है, रात को खीर खाई और घर से ये कह के निकले कि आज मैं अपने भाई के साथ बैठ के सारे गिले शिकवे दूर कराऊंगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं भाभी जी, मैं तो आपके घर से अपने घर आया, थोड़ा टीवी देखा फिर सो गया अपना। मम्मी जी, पापा जी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही है और फोन भी स्विच ऑफ है। हे भगवान, भाई साहब कहाँ चले गए आपके पाजी? की हुए जी? बैकी बैकी गल कर रही हैं भाभी जी, कहती हैं कल रात कुलजीत यहाँ आने के लिए निकला था मेरे नाल सुलह करने वास्ते और फिर घर नहीं लौटा। पर मैंने तो लगा कि खीर देने के बाद आप प्राजी के साथ टहलने निकले थे। कुछ भी बके जा रही है तू, मैं तो कुलजीत को मिला भी नहीं, भाभी जी के हाथ में खीर पकड़ा के अकेले गया था टहलने, अकेले। मुझसे तो ये कह के निकले थे कि मैं टहलने जा रहा हूँ और अर्जुन से भी मिलाऊंगा, आज किसी भी हालत में सारे गिले शिकवे दूर करके ही घर लौटाऊंगा। कितने बजे होंगे तब? कुछ 9:30-10 के आसपास। सुनीता, मैं जरा टहल कर आता हूँ। जी। मैं अर्जुन नाल गल कराऊंगा, खत्म कर देंगे लड़ाई। मैं जाके सो गई, बहुत थकी थी इसलिए रात को नींद भी नहीं खुली, लेकिन जब सुबह उठी तो देखा कि घर लौटे ही नहीं है, फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। आरती, आरती पुत्र उठना जरा, सुन तो तेरे पापा जी कितने हैं? तू रात को कितने बजे आई थी? तेरे पापा जी को देखा तूने? कहाँ गए हैं वो? मैनू की पता मम्मी जी, मैं तो 11 बजे आई थी, आप दोनों का बेडरूम बंद था तो मुझे लगा आप लोग सो रहे हो, मैं भी सो गई। मोहित, मोहित उठना, सुन तू रात को कितने बजे आया था? क्यों आया मम्मी जी? बोल ना कितने बजे लौटा था? लेट आया था, 1 के आसपास। पापा जी को देखा तूने? नहीं। फिर सुबह मोहित ने बताया कि उनकी कार कहीं दिखाई नहीं दे रही है और फोन भी स्विच ऑफ है, तो मैंने लगा कि शायद ढाबे पे चले गए होंगे, तो मैंने वहां भूपी को फोन लगाया, लेकिन भूपी ने भी कहा कि वो वहां पहुंचे ही नहीं। कुलजीत बस्सी का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। सुबह से ही स्विच ऑफ आ रहा है जी, मैंने कितनी बार ट्राई किया। आरती, जब रात 11 बजे तुम घर लौटी तो तुम्हारे पापा की कार कंपाउंड में पार्क थी? मैंने पता नहीं सर, वो मैंने ध्यान से नहीं देखा था, वो मैं थोड़ी डरी हुई थी। क्यों क्यों डरी हुई थी तुम? सर वो जॉइंट स्टडी के वास्ते मैं अपनी क्लासमेट के यहाँ गई थी, वहाँ थोड़ा लेट हो गया, मैंने लगा कि मम्मी पापा बरस पड़ेंगे, इस वास्ते मैंने अपनी कीस निकाली। मैं चुपचाप घर में एंटर हुई और सीधे अपने कमरे में जाकर सो गई, मैंने कार के बारे में तो सोचा ही नहीं। मोहित, तुम 1 बजे घर आए तो तुमने नोटिस नहीं किया कि कंपाउंड में पापा की कार है या नहीं? नहीं सर, मैंने भी नोटिस नहीं किया, मुझे तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, मैंने चुपचाप एंट्री ली और फौरन सो गए।
थोड़ा भी शोर होता तो पापा जी जाग जाते, फिर बवाल होता सवाल पर सवाल। वो तो घर पर थे ही नहीं, है ना सुनीता जी? जी सर, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल हम चारों के पास अपनी अपनी डुप्लीकेट चाबियां हैं और वो भी अपनी चाबी लेके गए थे। कार का नंबर? PBXY562E, रेड कलर सेंट्रो। ठीक है, हम कार के लिए तुरंत अलर्ट जारी कर देंगे। मोहित, तुम अपने चाचा अर्जुन का नंबर भेजो। सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल। कुलजीत दी कोई खबर? जी नहीं अर्जुन पाजी, साडा दिल तो बड़ा घबरा रहा है जी। ऐसे कैसे कहीं चले गए, आज तक तो ऐसा कदों नहीं होया सी। ये तो चिंता दी गल है यार, कभी किया नहीं ऐसा। हेलो अर्जुन बस्सी। हाँ जी बोल रहा हूँ। मैं साहेब नगर पुलिस थाने से PSI आहूजा बोल रहा हूँ। हाँ जी दसो जी। तुम्हें तुरंत हमारे थाने आना होगा, इंतजार कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। क्यों होया पाजी? पुलिस स्टेशन तो फोन है, आता हूँ। भाभी जी, अर्जुन जी कह रहे हैं कि कल रात उनकी प्राजी से मुलाकात हुई ही नहीं। खीर देते वक्त तो नहीं हुई थी अंदर, लेकिन वो मुझे कह के गए थे कि मैं बाहर टहलने जा रहा हूँ और फिर अर्जुन से भी कल कराऊंगा। बड़ी अजीब बात है, टहलने तो अर्जुन जी भी निकले थे पर अकेले। वो तो कह रहे हैं कि प्राजी उन्हें मिले ही नहीं। अर्जुन भाई साहब टहलने निकले थे, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं सीधा यहाँ से घर गया, टीवी देखा और सो गया। मैं तो आपके घर से अपने घर आया, थोड़ा टीवी शीवी देखा फिर सो गया अपने। तो आप खीर लेकर गए थे अपने भाई कुलजीत जी के घर? कुलजीत को खीर बड़ी पसंद है जी, वाइफ ने जोर दिया तो देने चला गया था, पर मैं उन्हें मिला नहीं। भाभी के हाथ में खीर दे के वहां से निकल गया था। वहां से कहां के लिए निकल पड़े? अर्जुन जी आपने अपनी भाभी सुनीता से कहा कि आप खीर देने के बाद अपने घर वापस आए और आपने थोड़ी देर टीवी देखा और उसके बाद आप सो गए, लेकिन आपकी पत्नी का कहना है कि वहां से आने के बाद आप थोड़ी देर के लिए टहलने गए। जी हाँ, मैं छोटी से वॉक पे गया था। इंदर, मैं टहल के आता हूँ। मरवारी ऐसे गुड मॉर्निंग कहते हैं? तो वॉक पर गए थे आप? जी ऐसे ही आस पड़ोस में। तो जब आप आस पड़ोस में ऐसे ही टहलने गए तो टहलते टहलते अपने भाई से नहीं टकराए, मिले ही नहीं उनसे? जी नहीं मिला, मैं अपनी कॉलोनी में चक्कर लगा रहा था। आपने अपनी भाभी सुनीता को ये वॉक वाली बात नहीं बताई, आपने उनसे कहा कि आप सीधा घर गए, थोड़ी देर टीवी देखा और सो गए। जी वो टहलने के बाद टीवी देख के सो गया था, ये टहलने वाली बात मेरे दिमाग से निकल गई सर। बहुत बड़ी बात निकल गई आपके दिमाग से। अर्जुन जी थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि टहलते टहलते आप अपने भाई से मिले और ये बात भी आपके दिमाग से निकल गई। कुलजीत और मेरे बीच ढाबे के मुनाफे को लेकर अनबन चल रही है, कई बार तो हाथापाई भी हो जाती है, तो हमारे बीच कोई भरत मिलाप तो होना नहीं था जी। अगर टहलते हुए कहीं मिल भी जाते तो गलत होनी नहीं थी, खटास है जी हमारे बीच। पर खीर तो मीठी होती है जो आप अपने भाई के लिए लेकर गए थे। बड़ा भाई है मेरा, बिजनेस की लड़ाई है, पर है तो एक ही खून ना सर। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस की लड़ाई में भाई ने भाई का खून बहा दिया हो? नहीं नहीं, आए दिन होता रहता है ऐसा, ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं है। ये कैसी गल कर रहे हैं सर, अपने भाई का कत्ल करने की बात तो मैं सोच ही नहीं सकता। सर कार ट्रेस हो गई है वागा रोड पर, वहां से गुजरती पुलिस पेट्रोलिंग टीम ने रिपोर्ट किया। वागा रोड से एक कार मिली है, कार अमृतसर तो वागा जा रही थी, लगता है एक्सीडेंट हुआ है। सर हमारी पेट्रोल टीम जब बॉर्डर से वापस आ रही थी तभी उन्होंने ये गाड़ी और लाश देखी, उनके अकॉर्डिंगली ये एक्सीडेंट केस है सर। एक ही में हो गया चाची जी। मैंने नहीं पता पुत्र, तेरे चाचा जी को भी पुलिस ने कुछ नहीं बताया। मम्मी जी मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूं, पता लगावांगा कि होया कि कुछ बहुत गलत हुआ है, संभाल लिया अपने आप को मम्मी जी।
भाइयों में बिजनेस को लेकर अनबन है। एक रात छोटा भाई अपने बड़े भाई की पसंदीदा चीज खीर लेकर उसके घर जाता है। बड़ा भाई खीर खाने के बाद अपने छोटे भाई से सुलह करने के लिए अपने घर से निकलता है और अगले दिन सुबह उसकी लाश मिलती है उसी की गाड़ी में बॉर्डर के रास्ते पर। सर, कल दोनों भाइयों के बीच ढाबे पर काफी घमासान हाथापाई भी हुई है, इसमें नया क्या है? अर्जुन ने खुद कहा होती थी, उसकी पत्नी उसकी भाभी ने कहा होती थी, ढाबे के मैनेजर ने कहा है कि होती थी। लेकिन सर खीर तो रोज नहीं खाई जाती थी। तुम्हारा मतलब है कि खीर का मकसद कड़वाहट दूर करना नहीं था? चाचा जी, कल रात आप पापा जी को कहते ले गए सी? की गल कर रहे पुत्र, मैं तो तेरे पापा नु कल मिले ही नहीं। झूठ बोल रहे आप। खीर तो सिर्फ एक बहाना था पापा जी को बाहर बुलाने का। आप उनका मर्डर करने आए थे। कैसी गल कर रहा है तू? कुलजीत तेरा पापा होने से पहले मेरा बड़ा वीर था, अहमद भूल आप गए थे कि आप छोटे भाई हैं। आप उनको अपना दुश्मन समझते थे। ढाबा टेक ओवर करना था ना आपको? गुनी हो तुसी। सर पर गहरा घाव है जो स्टीयरिंग पर सर पटकने से हुआ है। एक्सीडेंटल डेथ? नो, मर्डर। ये सर पर चोट तो गुमराह करने के लिए लाश पर की गई है, मौत तो इससे हुई है। ये देखिए गले पे घाव, गले में कांच के टुकड़े घुस गए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मौत गला घुटने से हुई है। गला दबाकर मारा गया? हाँ। और एक बात, क्या मौत स्ट्रैंगुलेशन से हुई है? नो डाउट, लेकिन अगर गला दबाया नहीं जाता तब भी मौत होती। कैसे? पॉइजन। हमें विक्टिम के खून में जहर के ट्रेसेस मिले। मौत को 12 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, तकरीबन 12-18 घंटे के बीच। कल 2 अगस्त की रात को कुलजीत 9:30-10 के करीब अपने घर से निकला और घंटे भर के अंदर ही उसको मार डाला गया। पापा जी, उठो ना। पापा जी, उठो ना। सहर, ये कैसे हो सकता है सर जी? वो खीर तो मैंने खुद अपने हाथों से बनाई थी, मैंने भी खाई, अर्जुन जी ने भी खाई थी और हमारी बेटी प्रीति ने भी। सर, मैंने भी वो खीर खाई थी और अगर उस खीर में सच में सहर होता तो हमें भी तो अफेक्ट होता ना। देखिए अंदर जी, हम ये नहीं कह रहे कि खीर में जहर आपने मिलाया था, पर खीर तो आपके ही पति लेकर गए थे ना। वो तो मैंने ही उनसे जिद की थी कि वो खीर ले जाए, सुलह होने में मदद होगी। ये क्यों हो गया जी? कैसे हो गया? इस सवाल का जवाब तुमसे बेहतर कौन दे सकता है अर्जुन? जहर अपने साथ लेकर गए थे ना, रास्ते पर मिला है ना खीर में। तुमने अपने भाई के घर के अंदर कदम तक नहीं रखा, अपनी भाभी के हाथों में जहर भरी खीर थमाई और निकल गए। झूठ है जी, बकवास है। मैंने खीर में कोई जहर भर नहीं मिलाया जी। अर्जुन कोई और कुलजीत को क्यों मारना चाहेगा? तुम्हें ढाबे के मुनाफे में बराबर का हिस्सा चाहिए था ना, जो सोचा भाई को ही रास्ते से हटा देता हूँ, सारा मुनाफा मेरा। नहीं सर जी, मैंने सिर्फ अपने हक का मुनाफा चाहिए था जो आधा होता है, और अपने हक के वास्ते मैं अपने बड़े भाई का खून नहीं कर सकता जी। तुम्हारे साथ कौन लोग थे और कितने पैसे दिए तुमने उन्हें? मैंने किसी ने कोई पैसे वैसे नहीं दिए जी। मैं बताता हूं, 3 लोग थे। सर, फॉरेंसिक टीम ने पहली रिपोर्ट रेडी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ी में कुलजीत के अलावा 3 और लोगों की उंगलियों के निशान है। कार के अंदर लाश देखते ही मुझे भनक लग गई थी कि एक्सीडेंटल डेथ का केस नहीं है और ये किसी एक आदमी का काम भी नहीं है। मैंने सिर्फ इतना पता है जी कि मैंने खीर में कोई जहर नहीं मिलाया, मैंने कुलजीत का कत्ल नहीं किया जी। मैं तो कल रात उन्हें मिला ही नहीं। कल रात जब तू टहलने के लिए गया तब अपने भाई से मिला? तेरी ये खीर की राजनीति खूब रंग लाई। खीर खाते ही भाई का दिल पिघल गया, सालों से चले आ रहे झगड़े पर मिट्टी डालने के लिए तेरे सामने आ गए, पर उसे क्या पता था कि प्यार भरी इस खीर के अंदर नफरत का जहर भरा है। ऐसा कुछ और सुन, वो तेरे पास आ गया सुलह करने के लिए और तूने कहा भाई ठीक है चलो ड्राइव पे चलते हैं, गाड़ी तुम निकाल। रास्ते से तूने 2 बंदों को उठाया होगा। वाघा रोड पर पहुंचते पहुंचते कुलजीत का होश जाने लगा होगा और जैसे ही उसका होश गया होगा तूने मौका देखकर गला दबा दिया होगा, फिर गाड़ी की टक्कर कराई। तुम तीनों ने मिलकर इस मर्डर को एक एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की,
ये मनगढ़ंत गल कर रहे हो जी। आप सोचिए कुलजीत गड्डी क्यों नहीं खालता जी। हम एक ही कॉलोनी में रहते हैं, रात का वक्त था, आसपास कोई था नहीं, हम कहीं भी बैठ के गल कर सकते थे। गल कर सकते थे, कत्ल कैसे करते? प्लान तो तूने कत्ल करने का बनाया था, और फिर शहर के बाहर एक्सीडेंट का नाटक कैसे करते? देख अर्जुन, बस थोड़ा टाइम दे रहा हूं तुझे, आराम से शांति से ठंडे दिमाग से सोच ले और उसके बाद अपना स्टेटमेंट। सर जी मैंने अब तक जो कहा वही सच है जी। एक सच मैं भी कहता हूं अर्जुन से, हमारा ये पुलिस स्टेशन कुछ कुछ तेरे ढाबे की तरह है। यहां भी हम छीलते हैं, काटते हैं, कूटते हैं और कभी कभी तबियत से कूटते हैं, भूनते हैं, तरह तरह के तड़के भी लगाते हैं। और कुछ तड़के हमारे यहां ऐसे लगते हैं जिनका जायका आदमी जिंदगी भर नहीं भूलता। चाची तुसी जाओ है तो। मैंनु तेरी मम्मी नाल गल करनी है। वीर जी, मेरे पापा बड़े पापा दे नाल ऐसा नहीं कर सकते। पापी जी, भाई भाई के साथ ऐसा कर सकता है क्या भला? प्लीज पुलिस को बता दीजिए, पापा ने कुछ नहीं किया, पापा ने बड़े पापा को नहीं मारा है। तो फिर किसने किया? पापी जी, मेरे पति ने। सिर्फ ढाबे में नहीं, तेरे घर में भी पैसा लगा, फिर भी अर्जुन भाई साहब की एक ही रट लगी रहती, रोज लड़ पड़ते। जीना हराम कर दिया था हम सबका। अब तो खैर, मैंने ये कभी नहीं कहा कि ये सही है और कुलजीत प्राजी गलत थे। प्राजी सही थे, पर अर्जुन जी उनका कत्ल नहीं कर सकते, तो फिर खीर में जहर कहां से मिलाते? कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है पुलिस वालों को भी और आपको भी। गलतफहमी तो तैनू हुई है इंदर, जो तुझे अभी भी लगता है। अर्जुन भाई साहब की इतनी लड़ाइयों के बावजूद भी तुझे लगता है कि उन्हें अपने प्राण से था? अगर ऐसा था तो फिर उन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों कहा कि यहां से सीधे वो घर गए, टीवी देखा और सो गए? सख्त इंटरोगेशन के बावजूद अर्जुन बस्सी अपना जुर्म कबूल करने को तैयार ही नहीं था। सर, कुलजीत के फोन रिकॉर्ड्स के हिसाब से कत्ल की रात वो अमृतसर से वागा रोड गया था। और अर्जुन के रिकॉर्ड्स? अर्जुन बस्सी का फोन इस पूरे कांड के दौरान उसके घर पर ही था सर। अर्जुन की बीवी आई थी सर, वो कह रही थी कि अर्जुन को छोड़ दिया जाए। उसका कहना है कि उसका पति अर्जुन इतनी देर के लिए बाहर गया ही नहीं। मुश्किल से 10 या 20 मिनट के लिए ही तो घर से बाहर निकले थे वो। अब इतनी देर में बागा रोड जाकर अपने प्राण को मारकर वो वापस कैसे आ सकते हैं? बागा रोड पहुंचने में बिना ट्रैफिक के भी आधा घंटा लगता है ना। ये मिसेज अर्जुन बस्सी ना बड़ी स्मार्ट बनती है, कह रही है कि अर्जुन फोन घर पर छोड़कर गया था, बस 20 मिनट की वॉक पर गया था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हमें लंबे वॉक पर भेज रही है, वो भी गलत रास्ते पर। तुम दोनों तो मेरे पे यकीन कर दे हो ना, है इंदर, है प्रीति? मैं अपने बच्चे की सौंख खा के कहता हूं, मैंने जहर नहीं मिलाया, ना ही कुलजीत को मारा, पर मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। पैसा, पैसा क्या नहीं करवाता है उषा? जुर्म का सबसे कॉमन मोटिव होता है पैसा, और अर्जुन की तो दुखती रखता, उसके हिसाब से उसका बड़ा भाई कुलजीत उसे उसके हक के पैसे नहीं दे रहा था। शायद ये दोनों सिर्फ कहने के लिए भाई थे, इन दोनों का असली रिश्ता पैसों के साथ था। जी हाँ सर, और वैसे भी इन दोनों के बीच भाइयों वाला रिश्ता नजर तो नहीं आता। वो ठीक है कि ये लोग आस पड़ोस में रहते थे, रोज ढाबे में मिलते थे। सर, आसपास के लोगों के मुताबिक इन दोनों की ज्यादातर मीटिंग्स लड़ाई झगड़े या गाली गलौज पर ही एंड होती थी। और अर्जुन पर शक ना करने का भी तो कोई ठोस कारण नहीं मिला। लेकिन सर, दो पॉइंट्स हैं जो मुझे खटक रहे हैं। पहला, कुलजीत ने अपनी पत्नी से कहा कि वो वहां अर्जुन से मिलने के लिए जा रहा है सुलह करने,
मैं अर्जुन नाल गल करांगा, खत्म कर देंगे लड़ाई। लेकिन जब अर्जुन खीर देकर घर लौटा, उसने तो अपनी पत्नी से कहा नहीं कि वो अपने भाई से मिलने वाला है। क्यों कहता, यही तो उसकी चाल थी। ये उसके पास अलबाई रहती ना कि वो बस ऐसे ही अपने में वॉक करने गया, अपने भाई से मिला ही नहीं। सर, अर्जुन और कुलजीत के बीच ना तो कोई कॉल हुआ, ना ही कोई बातचीत हुई। फिर अर्जुन को कैसे पता चला कि कुलजीत उससे मिलने के लिए आ रहा है? दो लोगों को अपने साथ में लेना, वागा रोड पर जाना, कत्ल करने के बाद उसे एक्सीडेंट का रूप देना, ये सारी प्लानिंग कब और कैसे हुई सर? दूसरा पॉइंट सर, सर अगर अर्जुन ने उसे जहर दिया होता तो वो अपने भाई से मिलने के लिए बाहर क्यों जाता? वो इंतजार करता डेथ भाई पॉइजनिंग के लिए। तुम्हारे दोनों पॉइंट्स में दम है। एक बात और है सर, इन दोनों भाइयों की दुश्मनी से सारे लोग वाकिफ थे, मोहल्ले वाले, बिरादरी वाले, ढाबे वाले, ढाबे के कस्टमर, सभी लोग। अभी अर्जुन इतना तो जानता ही था कि अगर वो वहां खीर में जहर मिलाकर देगा तो 100% पकड़ा जाएगा। और फिर सर, ये खीर सुनीता, आरती या मोहित, ये लोग भी तो खा सकते थे, फिर वो ऐसी बेवकूफी क्यों करता? ऊपर से अपने साथ दो लोगों को और शामिल करना, इतना बड़ा ड्रामा करना, मतलब सर इस खीर में जरूर कुछ काला है। तुम्हारी बात सही है आहूजा, दुश्मनी का तंदूर गरम देखकर आई थिंक किसी तीसरे ने अपनी रोटी सेक ली है। परजाई जी, सत श्री अकाल। ये सब क्या हो रहा है? 3 दिन की कलेक्शन सिर्फ 1300। की करिए परजाई जी, काम बड़ा मंदा चल रहा है। आजू बाजू 2-3 नए ढाबे खुल गए हैं जी, आप मैनू थोड़ा सा और टाइम दो, मैं कुछ चक्कर चलांदा। मम्मी जी, आज थोड़ा लेट होगा मैं। ठीक है। क्या इस बात की संभावना थी कि किसी ने दो भाइयों के बीच की दुश्मनी का फायदा उठाया था, या सच्चाई यह थी कि अर्जुन बस्सी एक बहुत ही शातिर खिलाड़ी था और वो पुलिस को गुमराह करके एक अलग ही एंगल पर सोचने के लिए मजबूर कर रहा था? लेकिन यह अलग एंगल क्या हो सकता था? हेलो, हाँ जी, नवीनपुरी बोल रहा हूँ जी। जी हाँ, यही अमृतसर का रहने वाला हूँ जी। हाँ जी, जानता हूँ जी। जी जी जी, मैं आ जाऊँगा जी। मैं वो लंच के बाद आऊँ तो चलेगा जी? हाँ ठीक है जी, मैं मिलता हूँ जी।
सुनीता जी, आपका बेटा मोहित कहाँ है? जी वो घर पे है। और बेटी आरती? वो भी घर पे है। पर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि सुनीता जी, हमें आपके बारे में और मोहित के बारे में डाउट ही नहीं है, हमें बस आरती का इन्वॉल्वमेंट समझना है। हम लोगों ने आप लोगों को शक के बिना पर गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि पूरे दावे के साथ गिरफ्तार किया है कि तुमने अपने पिता और आपने अपने पति की हत्या की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खीर के जहर को तो छांट निकाला, लेकिन मेरा इंटरेस्ट है उस जहर को जानने में जो तुम लोगों के अंदर बुलबुला रहा था। ना, ये तो कतई मत कहना कि सच कह रहे हैं हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बेकसूर है हम लोग। वो सब फास्ट फॉरवर्ड हो चुका है। जिस आदमी ने एक्सीडेंट का ड्रामा रचने में तुम लोगों की मदद की, तलचेत सिंह, वो आदमी इस वक्त हमारी कस्टडी में है। हेल्पर नंबर टू जितेश वर्मा, अभी तक हमारे हाथ नहीं लगाए, पर कोई बात नहीं, बहुत जल्दी अंदर होगा। हमें आपके देवर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन कई ऐसी बातें थी जो इस तरफ इशारा कर रही थी कि शायद आपने मर्डर करवाया हो। हेलो, नवीनपुरी। हाँ जी, नवीनपुरी बोल रहा हूँ जी। तुम अमृतसर के रहने वाले हो? हाँ जी, यहीं अमृतसर का रहने वाला हूँ। मैं साहिब नगर पुलिस थाने से PSI आहूजा बोल रहा हूँ। क्या तुम सुनीता बस्सी को जानते हो? हाँ जी, जानता हूँ जी। इस नवीनपुरी से आप 2 साल पहले मिली थी किसी शादी में। आप चुपचाप अकेली बैठी थी कि नवीन आपके सामने आकर बैठ गया। आप दोनों की आंखें मिली और पहली नजर का प्यार, ऐसा कुछ हो गया था हम दोनों के बीच। सुनीता शादीशुदा है, बच्चे हैं, फिर भी अकेली थी, थक चुकी थी, दुखी थी उस जल्लाद के टॉर्चर से। है कौन है जिदे नाल तू गल्ला करदी और मेरे आते ही फोन काट देती? कोई भी तो नहीं, वो मेरी कॉलोनी वाली सहेली, उसका फोन था। सहेली? जी। सहेली दा नाम की नवीनपुरी। मैनू फिक्र होंदी है कि मेरे बच्चे गलत लाइन ते ना चले जाओ। तू तो पूरी दी पूरी आउट ऑफ लाइन हो गई, बेशर्मी नू भी शर्म आ जावे। 2.5 घंटे में 250 मैसेज जी। कल जब तू टीवी देख रही थी ना, अपना फोन इतने भूल गई सी और तेरा फोन मैंने देख लिया। पढ़ ली तेरी हवस की पूरी स्टोरी नवीनपुरी के साथ। गंदगी में डूबी, बेहयाई में लिपटी एक अधेड़ उम्र की औरत कमली हुई जा रही है अपनी तारीफों सुन के। जो कुछ भी चल रहा है ना, फोन रोमांस, ये तो खात्मा करो, नहीं तो खान उधेड़ देगा। एक्चुअली हम लोग बहुत आगे निकल चुके थे, हमारे बीच संबंध बन चुके थे। कुलजीत के घर पर मिलते? जी, बच्चों के और कुलजीत के घर से बाहर जाने के बाद, लेकिन फिर वो मैसेजेस पकड़े जाने के बाद हमारा मिलना बहुत मुश्किल हो गया। तो मिलने में आसानी रहे, इस वजह से तुमने कुलजीत को मरवा दिया? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं जानता हूँ सर कुलजीत मारा गया था, लेकिन इसमें सुनीता का इन्वॉल्वमेंट है ये मुझे नहीं पता था। श्योर? कोई अंदाजा नहीं था? अब्दी सो सर, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। और सर, अगर सुनीता इस सब में इन्वॉल्व है तो मैं क्या कहूँ सर, बहुत गलत किया उसने सर। बहुत गलत, बहुत शॉकिंग। इसलिए नहीं कि आपने इतना बड़ा कदम उठाया, बल्कि इसलिए कि इस कत्ल में आपका साथीदार कोई और नहीं बल्कि आपका बेटा था मोहित। सर, और एक झूठ सामने आया है। क्या? ये कुलजीत बस्सी का बेटा मोहित, इसने बताया था कि 2 अगस्त की रात को 1 बजे घर वापस लौट कर आया था, जबकि 9:30 बजे से ही रामकिरण कॉलोनी अपने घर में ही मौजूद था। 9:30 बजे से लेकर 1 बजे तक मोहित अपने घर पर ही था? नहीं सर, 11 बजे तक। उसके बाद इसकी लोकेशन वागा रोड क्राइम सीन पर थी। 2 अगस्त की रात को 9:45 बजे से अपने दोस्त दलजीत को फोन किया और उसके बाद दलजीत और मोहित दोनों क्राइम सीन पर थे सर। इसका मतलब जहर घर में ही था? घर में और घर वालों में सर, घरेलू जहर था, है ना? उस रात अगर अर्जुन खीर लेकर आपके घर नहीं आता तो भी वो कुलजीत की आखिरी रात होती, नहीं? मोहित साड़ा जानी दोस्त है और ये कुलजीत बस्सी तो मतलब उसकी जानदार दुश्मन बन गया था। कैसे? इतना शक, इतनी सख्ती कि बंदा सांस भी ना ले पावे सर जी। ये जहर का आइडिया कहाँ से है? सर, आइडिया उनके दिमाग में आया, जहर की शीशी मैं लेके आया सर जी। उस रात मोहित की मम्मी उसके पापा को खिलाने वाली थी, कब कैसे वो मैंने नहीं पता सर।
नवीन, उसे पता चल गया है। लेकिन लेकिन अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, थोड़ा सख्ती से पेश आ रहा था मेरे नाल। अब हम यहाँ घर पे नहीं मिल सकते, कहीं बाहर मिलना होगा। क्या हुआ पुत्र, तू इतनी टेंशन में क्यों लग रहा है? मैनू आपका टेंशन पता है मम्मी जी। क्या पता है तुझे, बोलना क्या पता है तुझे? नवीन पुरी जो यहाँ आते रहता है, लेकिन इस सब में गलत क्या है? आपने जो किया वो सही तो किया। ऐसे शैतान नाल आपने अपने इतने साल कैसे काट दिए मम्मी जी? मैं उनके नाल, उनके मुट्ठी में, उनके नीचे नहीं जी सकता। हर चीज की एक लिमिट होती है मम्मी जी। बोले उनसे बात करो तो गाली, पैसे मांगो तो गाली, हर चीज में उनकी मनमानी। मम्मी जी मैनू तुहानू और शायद आरती इस जेल से निकलना होगा, इस आदमी नू हमारी जिंदगी से निकालना होगा। कैसे? दो अगस्त की रात को कुलजीत बस्सी के कत्ल की सारी प्लानिंग उसकी पत्नी और बेटे ने कर ली थी। उस रात सुनीता को कुलजीत की लस्सी में जहर मिलाना था, लेकिन ऐन वक्त पर घर की घंटी बजी। इंदर ने खीर भेजी कुलजीत के लिए। खीर का आना और वो भी अर्जुन के हाथ इस प्लान के लिए सोने पर सुहागा साबित हुआ। अब लस्सी की जगह खीर में जहर मिलाया गया और सुनीता और मोहित को एक बना बनाया मर्डर सस्पेक्ट मिल गया अर्जुन बस्सी के रूप में। ये इतना सारा जहर आपके और आपके बेटे मोहित के अंदर ही भरा था या फिर आपकी बेटी आरती के अंदर भी भरा था? उस रात कंपाउंड में उसने सच में अपने पापा की कार नहीं देखी थी या फिर उसने हमें झूठा बयान दिया? जी नहीं सर, इस सब के बारे में आरती को कुछ मालूम नहीं था। बुरा बर्ताव तो उनके खून में था। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ भाई साहब के साथ इस तरह पेश आते थे, आपको यकीन नहीं होगा। मुझे और मोहित को तो वो रोज जलील करते थे, हर वक्त जीना आराम करके रख दिया था। तो अब कौन सी आप आजाद खुशियों से भरी जिंदगी जिएंगे? आपके बेटे की जिंदगी तो अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई और आपकी खत्म होने में कई साल बाकी। आपने इतना बड़ा जुर्म करने की हिम्मत उठाई तो क्या आपने पति से एक सीधा साधा डिवोर्स मांगने की हिम्मत नहीं कर सके? अपने बेटे के गलत ख्यालों को सुधारने की हिम्मत नहीं कर सके? सर मैंने आपसे कहा था ना कि हमारी लड़ाई है, पर इन्नी भी नहीं कि मैं उन्हें जहर दे दूं। मैंने भी तुमसे कहा था कि इस बात का हमें बहुत ताज्जुब नहीं होगा कि अपनों ने अपनों का खून बहाया। इस केस में पहले हमें लगा कि एक भाई ने एक भाई को जहर दिया, पर देर आए दुरुस्त आए। एक माँ और बेटे ने मिलकर अपने पिता और पति को जहर दिया। चाचा जी ढाबा बहुत बढ़िया तरीके से चला रहे हैं और आपको सुनकर ताज्जुब होगा, वो मुझे उतना ही हिस्सा दे रहे हैं जितना पापा जी का बनता था। मम्मी जी माना कि पापा थोड़े सख्त थे, पर क्या वो वाकई ऐसे थे जिसके लिए आप और भैया इस हद तक चले गए? जितेश वर्मा,
इस केस का चौथा आरोपी अब तक फरार है और पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए मैन हंट लॉन्च किया है। कार से पाए गए फिंगरप्रिंट्स मोहित बस्सी और दलजीत के फिंगरप्रिंट से मैच कर गए। पूरी छानबीन के बाद पुलिस ने नवीन पुरी को क्लीन चिट दे दी, ये कहते हुए कि ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया जो ये साबित कर सके कि नवीन को सुनीता के इस मर्डर प्लान के बारे में जरा सी भी भनक थी। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।